हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज एक नए फ्रेश एपिसोड में। बात करने वाले हैं ह्यूंडई स्टार गेजर एक्स के बारे में। इसमें है वो एक्स फैक्टर जो आपको चाहिए, बिकॉज हमें चाहिए होती है एक 7 सीटर गाड़ी। स्पेस पूरी हो, फीचर्स पूरी, और एसयूवी वाली फीलिंग भी आ जाए। बड़े अलॉय व्हील्स के साथ साथ एक बड़ी गाड़ी की फील भी आए, एडास फीचर्स भी मिले और सेफ्टी में भी हो भरपूर, तो आपके लिए ही बनी है द ह्यूंडई स्टार गेजर एक्स। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो, हमने स्टारगेजर की आपके लिए वीडियोस बनाई, उसमें और इसमें बहुत सारा डिफरेंस आया था, वो भी दिखाता रहूँगा और साथ साथ बताऊँगा कि कैसे ये किया कारंस जो इसका मेजर कंपटीशन है उससे बेटर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं एक्स के फ्रंट लुक, नहीं फ्रंट ले पूरे ओवरऑल लुक से। तो एक्स और नॉर्मल स्टारगेजर में हाईलाइट्स भी बता रहा हूँ और वैसे अपने जो चीज़ें अच्छी लग रही वो भी बता रहा हूँ। ग्रिल स्पोर्टी मिल जाती है आपको, नई ग्रिल है जिसके ऊपर आपको ये जो सैटिन क्रोम की फिनिशिंग है उसके आगे मिलती है। नॉर्मली नॉर्मल स्टार गेजर में आपको ऑल ब्लैक ही मिलती है, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। साथ में बड़ा सारा ह्यूंडई का लोगो है। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉपर एडैप मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तक इसमें ऑफर किए जाते हैं और इसमें एडैप फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि कैमरा बेस्ड है, जो कि वहाँ पर लगा हुआ है। LED हेडलैम्प्स, रिफ्लेक्टर 4, लो बीम हाई बीम दोनों, और आपको मिल जाता है इंडिकेटर बल्ब सेटअप, फॉग लैम्प बल्ब सेटअप में। लेकिन हाँ, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। मेजरली तो इसका ग्रिल में डिफरेंस, जो डिफरेंस है नॉर्मल स्टार गेजर से एक्स में, जो नया 2023 अभी लॉन्च हुई है, कल लॉन्च हुई है, अभी एक ही दिन हुआ है, तो उस हिसाब से आपको ये नया लुक मिल जाता है जो कि ह्यूंडई कंपनी की तरफ से मॉडर्न भी रखा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा सा बोनट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंजन काफ़ी पावरफुल और बड़ा है, 1.5 लीटर का है बता दूं आपको। ADAS का आपको प्रॉपर सेंसर या कैमरा जो है वो सामने की तरफ देखने को मिल जाता है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और साथ में ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन जैसे सारे फंक्शंस यहाँ पर काम करते हैं। लिस्ट आपके लिए यहाँ पर मैं प्रॉपर लगा देता हूँ। साथ के साथ देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर और ये वाइट जो कलर है ना, मैट वाइट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है टर्न इंडिकेटर। और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली कैमरा नहीं मिलता, लेकिन इंडियन मार्केट में जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो इसमें 110% 360 डिग्री कैमराज होने वाले हैं। ये है एक्स का एक और एक्स फैक्टर, यानी कि इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन और साइज़। 17 इंचेस के वेंटिलेटेड डिस्क के साथ आपको ये ट्रीटमेंट मिल जाता है, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, 205/50, यानी कि काफ़ी अच्छा टायर वॉल साइज़ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखे गए, उसका रीज़न ये है कि माइलेज ज़्यादा मिल सके, इसीलिए 205 आपको मिल रहा है। मुझे लगता है कि अच्छी माइलेज मिलनी भी चाहिए। क्लैडिंग आपको SUV वाली प्रॉपर मिल जाती है, ये भी एक्स फैक्टर में आ जाता है। साइड क्लैडिंग भी आपको प्रॉपर मिल जाती है, ये भी एक्स फैक्टर का ही पार्ट है। और साथ में मिल जाती है आपको रूफ रेल्स भी, ये भी एक्स फैक्टर का पार्ट है, बिकॉज ये स्टार गेजर एक्स में ही आपको मिलते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स तो आपको वैसे ही मिलेंगे, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर, को ड्राइवर साइड में भी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm और 200 mm के बीच में, डिपेंडिंग लेडन और अनलेडन में। अब जब से इंडियन मार्केट में लेके आया जाएगा तब भी 190 से 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसकी रखी जाने वाली है। साथ में ऑफ कोर्स इसमें कनेक्टेड, यानी कि ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स तो मिलेंगे ही, फ्यूल टैंक की यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही ऑफर की जाती है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगी, और ये बेस वेरियंट से ही मिलेगा आपको, यानी कि रियर डिस्क ब्रेक। इस स्टार गेजर एक्स के रियर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बड़ा सारा स्पॉयलर मिल जाता है, हालांकि नॉर्मल स्टार गेजर में भी है। शार्क फिन एंटीना भी आपको मिलेगा, हाई स्टॉप लैम्प के साथ साथ आपको वॉशर भी मिल जाता है। डिफॉगर इंडोनेशिया में नहीं आते, बट इंडियन मार्केट में डिफॉगर भी मिलेंगे। वाइपर है, क्लैडिंग का डिज़ाइन यहाँ पीछे जो, सॉरी, टेल लैम्प के नीचे जो पियानो ब्लैक का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। कनेक्टिंग ही टेल लैम्प्स को रखा गया एच शेप्ड में, जो कि आजकल 2023 की सारी गाड़ियों में रखा जा रहा है। स्टार गेजर की बड़ी सारी बैजिंग विद दी एक्स फैक्टर, साथ में मिल जाता है आपको नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 3-4 होते तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते। और रही बात इसकी क्लैडिंग, जो पीछे बम्पर भी दी गई है यानी कि स्किड प्लेट, उसमें भी आपको स्पोर्टी एलिमेंट देखने को नजर आएगा, जैसे कि फ्रंट में नज़र आते हैं, तो ये भी स्टार गेजर एक्स का डिफरेंट पार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी आती है और अच्छा खासा डिपार्चर एंगल भी नज़र आ रहा है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस तरफ मिल जाता है, और ये रही इसकी 230 लीटर्स की बूट स्पेस। हाँ, अभी ज़्यादा है बिकॉज इसकी सीट्स जो है वो फोल्ड की हुई हैं। अगर आप 7 सीट्स को, मतलब 5 को छोड़कर पूरा इसको 7 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि पूरा फोल्ड कर लेते हैं, तब आपको 230 लीटर्स की बूट स्पेस और सीक्रेट कंपार्टमेंट भी मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना ऐसा सामान रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि बाउंस ना करे। तो यहाँ पर थोड़ा बचा रहता है सामान, जिस तरह छोटे बैग्स होते हैं, शूज़ होते हैं, तो जेन्युइनली बूट स्पेस का इस्तेमाल बूट रखने के लिए भी किया जा सकता है, और ताकि वो बाउंस बिल्कुल भी ना करें। तो इस वजह से ये आपको एक अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है एक अपने सेगमेंट में कमाल की बात हो जाती है, बिकॉज 7 सीट होने के बावजूद इस सेगमेंट, इस प्राइस ब्रैकेट में आने के, मतलब 15 लाख से नीचे आने के बावजूद आपको मिल जाती है प्रॉपर बूट स्पेस। तो 7 लोग बैठे भी हैं तब भी आपके पास सामान रखने की जगह है। हालांकि ध्यान रखें, जो वो रूफ रेल्स है ना, वो फंक्शनल नहीं है, वो सिर्फ डिज़ाइन के लिए ही हैं।
वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए ना तो बोडमो इज द राइट वन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉइड iOS वेबसाइट सब कुछ अवेलेबल है, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक सबके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, वो भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के जरिए। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, बोडमो को चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंटीरियर 8 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड टू एप्पल कार प्ले, साथ में पूरा इसको लेआउट जो क्रोम फिनिशिंग के साथ मिल जाता है, सैटिन क्रोम के साथ। स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आपको छोटे छोटे काफ़ी मिलेंगे, यहाँ सेंटर में अलग से ये हिडन रखा गया है सॉफ्ट टच में, और ऊपर की तरफ भी आपको काफ़ी बड़ी स्पेस मिल जाती है, और पीछे तक सामान नहीं जाता, यहीं तक सामान जाता है, लेकिन नीचे पूरी लंबी आपको प्रॉपर स्टोरेज मिल जाती है। प्लस यहाँ पर भी वायरलेस चार्जर, USB पोर्ट, और साथ में मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट भी। डिसेंट साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कूल्ड नहीं है, बट इंडियन मार्केट में आई बिलीव कूल्ड वाला सिस्टम आने वाला है। साथ में मिल जाती है आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, ADAS के सारे फंक्शंस के कंट्रोल, रियर को रेन सेंसिंग वाइपर्स, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप भी। डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है पूरा, जो कि कमाल का दिखता है, मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है। पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो इस पीरियड में आपको मिसिंग लगेंगे, बट अगेन इंडियन मार्केट में जब आएगा तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। ओके, ऑटो वायर भी हम LED लाइट्स, इस तरफ देखेंगे तो टिकट होल्डर, इस तरफ देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर, बट ध्यान रखिए वैनिटी मिरर का साइज थोड़ा सा छोटा है। AC के कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, फुली ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, CVT ट्रांसमिशन है, कप होल्डर्स हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, वेंटिलेटेड सीट्स इस वेरिएंट में नहीं है, लेकिन अगेन इंडियन मार्केट में आएगी तो मिलेगी। 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी हमें इंडियन मार्केट में। इन 3-4 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज हम हैं जिन्हें ज़्यादा सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, यू नो, इस तरह की फीचर्स की डिमांड रहती है इंडियंस को, तब यहाँ कंपनी आपको एक बड़ी स्क्रीन भी देती है और सनरूफ भी देती है। इंडोनेशिया में सनरूफ की उतनी डिमांड है नहीं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर सनरूफ भी नहीं दी, बट अगेन इंडियन मार्केट में जब आएगी तब आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें भी यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही इंजन, एक ही ट्रांसमिशन दी है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में भी आता है CVT ट्रांसमिशन के साथ, यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगेन इंडियन मार्केट में आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि 6-speed मैनुअल, CVT, डीजल और पेट्रोल टर्बो 1.5 के साथ भी ऑफर किया जाएगा। जिस तरीके से अभी किया सेल्टोस आती है, सेम इंजन वेरिएशन होंगे, उसी तरीके से ये ह्यूंडई की स्टार गेजर एक्स जो है वो इंडियन में लॉन्च की जा सकती है इन ऑप्शंस के साथ। हो सकता है, क्योंकि जब इसे लॉन्च किया जाएगा उसमें थोड़ा सा भी टाइम है, कि डीजल कम वेरियंट्स में रखा जाए, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये इंटीरियर का फ्रंट लेआउट, बेसिक ह्यूंडई का टिपिकल स्टाइल स्टेयरिंग, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेदरेड आपको मटेरियल हर जगह देखने को मिलेगा, और अगर हम एक्स फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको बोस के 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं, लेदरेड स्टिचिंग, जो लेदरेड सीट्स है उसके ऊपर स्टिचिंग मिल जाती है। आर्मरेस्ट जो है वो वैसे भी अच्छी लगती है, नॉर्मल में भी आती है, बट रेड स्टिचिंग के साथ एक्स वेरिएंट में, यानी कि स्टारगेजर एक्स में, और ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इंटीरियर में स्टारगेजर एक्स से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक स्पीकर्स का पड़ा है, एक रेड स्टिचिंग का पड़ा है, उसके अलावा एक डिजिटल क्लस्टर थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर लग रहा है, और मुझे पर्टिकुलरली डिजिटल क्लस्टर टच स्क्रीन से भी ज़्यादा अच्छा लगा, बट अगेन इंडियन मार्केट में तो टच स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर आने वाली है। कैसा लग रहा है स्टारगेजर एक्स का इंटीरियर, क्या आप इसे कंसिडर करोगे या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बारी आती है स्पेस के बारे में डिस्कस करने की, फिर बात करेंगे प्राइस के बारे में, लॉन्च के बारे में, और वेरियंट्स और कॉम्पिटिशन के बारे में भी। स्टारगेजर की अब वो वाली रो, यानी कि सेकेंड रो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। मैं तो इन्जॉय करूँगा वैसे ड्राइवर सीट पे, बट अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो डेफिनेटली आपको इसकी सेकंड रो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब यही आ जाती है 7-seater वेरिएंट, तो अनफॉर्चुनेटली आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना, जो ये जो आर्मरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ जाती है, बट कप होल्डर नहीं आते, लेकिन एक फील अच्छी प्रोवाइड कर देते, बिकॉज आर्म पूरी आपकी आ जाती है। अब कप होल्डर क्यों नहीं है, ताकि इस सीट को एक्चुअली यूज़ भी किया जा सके बैठने के लिए, इसीलिए आपको कप होल्डर्स यहाँ नहीं मिलते। बट ऐसा मत सोचना कि कप होल्डर्स मिलते ही नहीं है, डोर साइड पे अगर आप निगाह घुमाओगे तो आपको बड़ा कप होल्डर मिल जाता है, लेदरेड फिनिशिंग सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, और नीचे भी आपको 3 बड़ी बॉटल्स रखने की जगह मिल जाती है विद योर फाइल्स एज वेल। बोस का स्पीकर भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है बोस की तरफ से। अब इन सीट्स की बात करें, अच्छा खासा लेगरूम, पीछे टनल, जो नीचे जो टनल है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसका मतलब 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। टाइप ए के आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, फ़ोन की स्टोरेज यहाँ पर भी है, 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 और अगर आपके पास टैबलेट या लैपटॉप या कुछ खाना चाहते हो तो आपके पास 3.5 kg तक का लोड लेने वाली एक ट्रे भी अवेलेबल है।
साथ में मिल जाता है आपको एक कप होल्डर। हालांकि थोड़ा और आगे तक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि हम तो है पंजाबी, हमें खाना होता है ज़्यादा, और ज़्यादा खाने के लिए चाहिए होती है बड़ी प्लेट, और बड़ी प्लेट के लिए चाहिए होती है बड़ी ट्रे, तो वो ट्रे चाहिए थी। हाँ, अगर इसको पंजाब में लॉन्च किया जाए या जिनको खाने का शौकीन है उनके लिए, तो डेफिनेटली कंपनी को ट्रे थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी, और ज़्यादा केजी की भी, बिकॉज हमारे भटूरे ही 3.5 किलो के होंगे। एनीवेज, बात करते हैं स्पेस की। तो हेडरूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, नी रूम भी है, लेग रूम भी है, अंडर थाई सपोर्ट में 8 में से 10 देना चाहूँगा, थोड़ा कम रह जाता है। माय हाइट इज़ 5'9" बाय द वे, 10 में से 8 सॉरी। अब अगर इस सीट पे मैं बैठा हूँ तो मैं रिलैक्स भी करना चाहूँगा, और रिलैक्स करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन होनी बहुत ज़रूरी है, एसी वेंट्स। यहाँ तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो नज़र आ रहे हैं ना, और काम भी पूरा करने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपको वेंट्स मिल जाते हैं एयर के, यानी कि एसी नहीं, बिकॉज़ यहाँ से ये हवा को सक करेगा, आगे एसी चलता है उसकी हवा को ये सक करता है और यहाँ पर वापस ब्लो कर देता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि ये अलग से कूलिंग प्रोवाइड नहीं करता, बट फिर भी ये क्वाइट एफिशिएंट, बिकॉज़ चार चार आपको मिल जाते हैं और फ़ैन की स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो उसकी वजह से थर्ड रो तक भी प्रॉपर आपको हवा मिल जाती है। और रही बात लाइट की, लाइट अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि कॉस्ट कटिंग करते हुए उन्होंने एक ही लाइट लगाई है, ताकि आपको प्राइस कम पे करना पड़े। बुरी चीज़ ये है कि एक ही लाइट लगाई है, और आपको इस रो के लिए यानी कि सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए अलग अलग लाइट नहीं मिलती। हालांकि ब्राइटनेस ठीक है, आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा सेफ्टी के बारे में, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ADAS के सारे फंक्शंस आपको जो मिल जाते हैं, और 6 एयर बैग्स तो मिलते ही हैं। तो कंपनी ने सेफ्टी का ध्यान काफ़ी रखा है। इंडियन मार्केट में भी जब इसे लॉन्च किया जाएगा, तब आपके पास बहुत सारे सेफ्टी फंक्शंस होंगे बेस वेरिएंट से ही। अब चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो जाने के लिए, जैसे कि यहाँ कारंस में आपको मिलता है वन टच, वैसा यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। पूरी सीट टंबल हो जाती है और पीछे जाना हो जाता है आसान, लेकिन मैं सीट्स को अपराइट करना भूल गया, आपको बूट स्पेस नहीं दिखाई थी। तो अब चलते हैं पीछे, प्रॉपर बैठा जाता है, लेकिन स्पेस थोड़ी कम ही मिलती है वैसे, सही बताऊँ तो। एक बार इसको हम आगे कर देते ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये देखिए स्पेस, जो कि थोड़ी कम है। ओहो, ये वाली सीट्स मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पीछे हैं, बट कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है इसको रिक्लाइन करने की, तो छोटे बच्चे अगर बैठना चाहते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं सीट रिक्लाइन कर सकता हूँ। नी रूम तो थोड़ा कम बचता है, अगर मैं इन सीट्स को आगे कर दूँ थोड़ा सा नी रूम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पीछे बैठने की बात करूँ रिक्लाइन एंगल से, तो वो अच्छा मिल जाता है, बिकॉज काफ़ी हद तक रिक्लाइन हो जाती है। 7 स्टेप आपको रिक्लाइनिंग ऑप्शन मिल जाती है इस गाड़ी के साथ। बूट्स पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन 7 लोग कंफर्टेबली बैठ तो पाएंगे। इन सीट्स की 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली, क्या आपको ये थोड़ी सी ऊँची मिलती है, तो उसकी वजह से आपको पूरा व्यू अच्छे से मिल जाता है और आपको ऐसे घुटा घुटा सा नहीं लगता, वो आपको चीज अच्छी लगने वाली है। दूसरी, इन सीट्स की अच्छी चीज ये है कि कुशनिंग और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं किया गया है, क्वालिटी मेंटेन रखी गई है, सेम रखी गई है, आगे अच्छी, फर्स्ट रो की, सेकंड रो की भी अच्छी, थर्ड रो की भी अच्छी। सिर्फ और सिर्फ नी रूम से मेरी थोड़ी सी शिकायत है, उसमें भी क्या है कि अगर मैं इन सीट्स को थोड़ा आगे कर दूंगा तो वो भी बेटर हो जाएगा। रही बात फीचर्स की, तो आपको कप होल्डर्स भी हैं इस तरफ भी, इस तरफ भी। USB पोर्ट्स जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन 12 वोल्ट का सॉकेट मेरे को दिया गया, तो नॉर्मल सा 300-400 रुपये का कार चार्जर लगा के आप उसे 2 USB पोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका काम वहाँ हो जाएगा। वाटर विंडो का साइज़ जो है इज़ डिसेंट, बहुत बड़ा नहीं है, बट इस तरह की गाड़ी के साथ इतना साइज़ ही मिलता है, और फिर भी ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी सी दे दी है, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो व्यू भी अच्छा खासा मिल जाता है। और सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए सीट बेल्ट्स तो आपको सारे पैसेंजर्स के लिए मिल ही जाती है। एसी की हवा भी यहाँ तक पीछे तक आ जाती है, तो अगेन आई एम क्वाइट हैप्पी इन द थर्ड रो एज वेल। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करके जरूर बता देना एक बार। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कब लॉन्च होगी, कैसे लॉन्च होगी, किस प्राइस पर लॉन्च होगी, कब आप ले पाओगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस व्हीकल को लॉन्च क्रेटा के तो बाद ही किया जाएगा। कंपनी प्लान करेगी कि 7 सीटर को लाया जाए ना लाया जाए, एक बार फिर से कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर क्रेटा से 7 सीटर यानी कि एल्केज़ार जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं स्टारगेजर को लॉन्च करके सेल्स का फर्क पड़ सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि एल्केज़ार में वो बात नहीं है जो कि स्टारगेजर एक्स में हो सकती है, बिकॉज एल्केज़ार क्रेटा का ही 7 सीटर वर्जन आ जाता है। जिसको चाहिए होता है उस तरफ जाने का सोचता है, लेकिन लेते बहुत कम है, तो एल्केज़ार उतनी ज़्यादा सेल हो नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि एल्केज़ार से कम प्राइस देकर ADAS फंक्शंस और बेटर 7 सीट्स की कैपेसिटी जो है वो मिल जाएगी, कुछ डिफरेंट एलिमेंट आ जाएगा यानी कि क्रेटा से हटकर आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बिक सकती है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर 2024 में जनवरी फरवरी मार्च में
जब क्रेटा को लॉन्च किया जाएगा उस टाइम पे एल्काज़ार डिसकंटिन्यू कर दी जाए और उसकी जगह आइए स्टार गेजर आफ्टर 2-3 मंथ्स, यानी कि मई जून मैक्सिमम जुलाई तक। दिस वुड बी माई ओपिनियन ऑन द स्टार गेजर एक्स। प्राइजिंग किया कारंस वाली ही रहने वाली है, बेस वेरियंट टॉप वेरियंट आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा खासा आइडिया आपको हो जाएगा। और साथ के साथ जो अब किया कारंस से एडिशन होंगे वो होंगे इसके ADAS फंक्शंस और थोड़े से बेटर लुक्स कई कई जगह पे। इंटीरियर मुझे थोड़ा बेटर इसका लग रहा है अगर हमारे उस अकॉर्डिंगली आ जाता है तो। व्हाट डू यू फील, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। इंडोनेशिया ऑटो शो यानी कि गायकोंडो इंटरनेशनल इंडोनेशिया मोटर शो की हमने ऑटो शो की बहुत सारी वीडियोज आपके लिए बनाई हैं, तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। उसमें होंडा है, टोयोटा है, MG है, DFSK है, सुजुकी है, मिल जाती है आपको वॉल्वो, पोर्शे भी, नेटा की भी और वुलिंग भी मिल जाती है, मित्सुबिशी भी मिल जाएगी। तो सारी की सारी गाड़ियां हम आपके लिए, चेरी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमने आपके लिए डाले, उनको चेकआउट करना ना भूलें। YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हो तो पता है ना, फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड लव यू गाइस, बाय बाय।